हाँ जी मैडम जी सत श्रीकाल जी मैडम मैं मीनाक्षी की मामा बोल रही हाँ मैडम तुम लगातार मैसेज पा रहे हो कि कोरोना वायरस से किसी भी अपने दूजे पर फोटो बना के भेजो बच्चे बी टेस्ट सेंड करो मैडम मैं एक गल दसो कि थी ऑनलाइन काम तो पा दें सारे टीचर पाँदे कल नहीं पाँदे मेरे बचे छे आ जोड़े पां के सकारी स्कूल में पढ़ और छेवीं कुी मेरी कंप्यूटर का कोर्स करती भी काम ऑनलाइन ही आता ਫੋਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡਮ 1 ਕਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ 6 ਔਰ 6ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਟੀਚਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ काम तो सारे टीचर पाई जाने और यह कही जाने कि सोंडर आए या सरकार ऑर्डर कर रही हैं मंत्री ऑर्डर कर रहे, कर रहे कोई भी है जो सिक्ख्या कोई भी है कि ऑर्डर कर रहे तो तुसी हो काम पा रहे हैं पर कम से कम तुम ये तो देखो कि जोड़े काम तुम पाने ऑनलाइन वह बच्चे जड़े आ काम कर भी रहे नहीं और दूसरा वो पेरेंट्स करवा भी सकते हैं ज नहीं असी फोन अपनी वर्तों वास्ते ले अपनी निजी जिंदगी भी सानू जरूरत सी असी तो फोन मैडम जी ये लाए थ इस करके नहीं लाए कि सारे बच्चों का काम ऑनलाइन आए तो अभी ऑनलाइन ग्रुप बनाओ तो असं यह काम करवाने लीए सवेरे अठ बजे तो लैके दो बजे तक होंगी ड्यूटी स्कूल दे के स्कूल लगते हैं पर इतने तो नौ नौ रात के नौ नौ बजे तक मैसेज आते रहते और मैसेज भी एक एक नहीं पचासी पचासी मैसेज मैडम में जी कठे समझ नहीं लगती है कि बच्चे काम करवाई के नवाइए और कई पीडीएफ फैलिया ही नहीं है, है। साड़े को में जी पैसे नहीं होंगे हर महीने बाद नैट पैक पावाउन हो पिछले चार महीने तो कोई कम नहीं है बेरोजगार हो पे हैं बंद साडे काम तो बैठे आम कि ठीक है जी इत जिथे तीन टाइम रोटी खाई दी उम रोटी खाके असि गुजारा कर दे